अब खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से, जहां पर जंगल घोरट गांव में आजादी के 70 साल बाद भी सैकड़ों परिवार हैं वो राशन कार्ड से वंचित हैं, जिसको लेकर के पूर्वांचल किसान यूनियन के अध्यक्ष पप्पू पांडे के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिला अधिकारी को 3 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि जिला प्रशासन को लगातार इस विषय में अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण उन्हें किसी सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। ग्रामीणों ने मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी दी है। सरकारी योजनाओं से ग्रामीण वंचित है। सरकार लगातार बातें कहती रही है कि हमारी योजना हर जन तक पहुंची है, लोगों के हर एक ग्रामीण तक पहुंची है, लेकिन ये तस्वीरें साफ बयां करती है कि सरकार के वादे केवल जुमले साबित हुए हैं, ग्रामीणों तक सरकार की योजना नहीं पहुंच पा रही है। जिलाधिकारी को 3 सूत्रीय इस मांगों को लेकर के ग्रामीणों ने सौंपा है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब तक हमारे पास सरकार की योजनाएं नहीं पहुंचती है, हम आंदोलन करते रहेंगे। जिलाधिकारी को इसको लेकर के ग्रामीणों ने 3 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा है। ये मामला जंगल घोरट गांव का है।